मैं ज्योताराम देवासी आरटीआई एक्टिविस्ट पाली राजस्थान से हूँ। मैं दो दिन से खबर पढ़ रहा हूँ, वो खबर पढ़ते ही मेरे खून खोलने लगा। राजस्थान के अंदर अलवर जिले के अंदर एक 15 वर्षीय मध्यबुद्धि लड़की के साथ रेप और दरिंगी हुई है, जो एक बार फिर निर्भया कांड की तरह आरोपियों ने पीड़िता के साथ अवनियत के बाद उसे अलवर शहर की पिजारा पुलिया पर पटक दिया। ये घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। तुरंत प्रभार से आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा न्यायालय के लिए लोग इस महामारी से सड़कों पर निकल पड़ेगा। इस बहन के लिए मैंने न्याय के लिए राजस्थान मानव अधिकार आयोग व पुलिस महानिदेशक जयपुर को तुरंत फोन पे बात कर एवं उनको पत्र भेजा है कि इस बहन के साथ जिसने भी गलत हरकत की है उनको पुलिस तुरंत गिरफ्तार करें और ठोस से ठोस कानून कार्रवाई की जाए। मैं राजस्थान सरकार से अपील करता हूं कि इस बहन बेटियों के साथ जो घटना घट रही है, जो अपराध होते हैं आए दिन, इसमें राजस्थान नंबर वन पे है। हमारी राजस्थान सरकार सिर्फ कागजों के अंदर लिपापोती करती है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती हैं, सिर्फ बड़ी बड़े पोस्टर छिपाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राजस्थान के अंदर हमारी बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, जिस व्यक्तियों ने इन बहन के साथ गलत हरकत की है उन आरोपियों को ठोस से ठोस कानून सजा सुनाए और पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं कि उनको जल्दी गिरफ्तार करें। अलवर में एक 15 वर्ष की मध्यबुद्धि लड़की के साथ रैप और दरिंदगी हुई है, जो एक बार फिर दिल्ली निर्भया कांड की तरह है। वो आरोपियों ने पीड़िता के साथ हवनियत के बाद उसे अलवर शहर की तिजारा पुलिया पर पटक दिया। ये घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। मेरा प्रशासन से कहना है कि तुरंत प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा न्याय के लिए लोगों को इस महामारी से सड़कों पर निकलना पड़ेगा। इस संबंध में मैंने श्रीमान राजस्थान मानव अधिकार आयोग राजस्थान और पुलिस महानिदेशक जयपुर को तुरंत बात कर मैंने समस्या अवगत कराई और मैंने उन दोनों विभागों को ईमेल के जरिए, स्पीड पोस्ट के जरिए मैंने उनको पत्र भेजा है। ये बहुत ही दुखद घटना है कि एक 15 वर्षीय लड़की के साथ उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। आए दिनों दिन राजस्थान में ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं और हमारी बहन बेटियां राजस्थान में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसके संबंध में मैंने कई बार राजस्थान सरकार को भी पत्र लिखा था, लेकिन सरकार सिर्फ कागजों के अंदर लिपापोती करती है, बाकी कुछ नहीं करती है।